ओके हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी फोटो केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं ओके तो देखिए फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली कार्बोनाइल कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और कार्बोनाइल कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ऑलरेडी फोर लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ आज हम आगे बात करते हैं हमारे फिफ्थ लेक्चर पे और आज के इस फिफ्थ लेक्चर का टॉपिक आपका बनने वाला है फोटो रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लोसा ओके तो देखिये ना आज के लेक्चर पे आपने कुछ नहीं करना काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज आपने क्या करना एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखानी है और ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होनी है फोटो की प्रेजेंस में क्योंकि आपको पता है हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सारी जो केमिस्ट्री होगी सारी जो रिएक्शन होगी वो किसके थ्री होगी फोटो के थ्री होगी तो आज के लेक्चर पे हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखानी है बट ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसके थ्रू होगी आपके फोटो के थ्रू यानी कि फोटो एच न्यू रेडिएशन के थ्रू होगी ओके okay? बट किसका फोटो रीअरेंजमेंट करना है आज हमने हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड का रीअरेंजमेंट करना और वो कार्बोनाइल कंपाउंड आपका क्या है वो है आपका साइक्लोहेक्सा डायनोन्स तो ये जो आपका साइक्लोहेक्सा डायनोन है ये एक टाइप का आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है इस कार्बोनाइल कंपाउंड

कर रहे तो आफ्टर रीअरेंजमेंट आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए थ्योरी के साथ मैं आपको लेते हुए चलती हूँ तो देखो जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो बस इतना नहीं है साइक्लोहेक्साडाइनोन इतना नहीं है इसके साथ सब्सिट्यूशन भी है सब्सिट्यूशन क्या है ये है आपका फोर फोर मिथाइल सॉरी फोर फोर डाइफिनाइल फोर फोर डाइफिनाल मतलब यहाँ पे जो आपकी हेक्सा की जो साइक्लिक रिंग है इसकी फोर्थ क्वेश्चन में दो आपको फिनाइल ग्रुप भी देखने को मिलेंगे तो ये बोल रहा है फोर फोर फिनाइल साइक्लो हेग्जा डाइनॉन ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड इसकी आपने फोटो रिअरेंजमेंट करानी है तो होता क्या है ये बोल रहा है जब आप इस पर्टिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड में फोटो रीअरेंजमेंट कराओगे तो फर्स्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलरली ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये फर्स्टली क्या होगा आइसोमराइज होगा और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जब आप अपने कीटोन में क्या डालेंगे एचन रेडिएशन डालेंगे यानी कि अपने कीटोन को इरेडिएट करोगे तो आफ्टर इरेडिएशन ये दो टाइप के फिनॉल्स में टूट जाएगा और यही चीज हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है कि हमारा ये पर्टिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड पहले कैसे आइसुमराइज होता है कीटोन में एंड देन कीटोन में जब हम लोग क्या है? करते हैं इरेडिएशन करते हैं तो कैसे ये टू टाइप के फिनॉल आपको देता है तो देखो मैं आपको अगर रफली दिखाऊं तो फर्स्टली आप क्या देखेंगे ये है देखो फर्स्ट ये आप पहले यहां से देखो एक रिएक्शन ये आपकी रिएक्शन है मैकेनिज्म मैं नीचे आपको शो करूंगी तो ये रिएक्शन में आपको क्या दिखाया गया है ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज फोर फोर डाई फिनाइल डायनोन आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ और फोर्थ पोजिशन में मतलब फोर्थ पोजिशन में दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं देखो ये फर्स्ट पोजिशन हुई ये सेकंड पोजिशन हुई ये थर्ड पोजिशन हुई ये फोर्थ पोजिशन हुई फोर्थ पोजिशन में दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं साइक्लिक रिंग है हैक्सा की रिंग है डायन यानी कि दो आपके पास क्या है इन है डबल बॉन्ड है उसके साथ यानी की कि लगा हुआ है तो ये है हमारा जो कंपाउंड है वो है फोर फोर डायफिनाइल ये आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है इसमें आपने फोटो रीअरेंजमेंट कराना है तो फर्स्टली क्या हुआ ये कंपाउंड आपका किसमा आइसोमराइज हुआ कीटो में ये जो आपका कंपाउंड बना ये आपका कीटो का कंपाउंड है जब आपने इस कीटो में क्या कराया है इरेडिएशन कराया तो आफ्टर इरेडिएशन क्या है ये दो टाइप के फिनॉल में कन्वर्ट हुआ तो पहला जो आपका फिनॉल बिना ये आपका क्या बना Two, three, phenol. कैसे ये आपकी सेकंड पोजिशन है ये आपकी थर्ड ये आपका हाइड्रोक्सी सॉरी ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये सेकेंड ये थर्ड पोजिशन तो ये हमारा क्या बना टू थ्री डाइफिनाइल फिनॉल और ये हमारा क्या बना थ्री फोर ये आपकी थर्ड पोजिशन ये फोर्थ पोजिशन

अगर आपने इसे फोटोन दिया यानी कि इसे इरेडिएट किया तो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड ग्राउंड स्टेट से कहा चला जाता है एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में होता है एनर्जी मिलने की वजह से आपका कंपाउंड कहां चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में तो ये जो प्रोसेस होती इसे आप बोलते हैं, तो आपके हैं. है आपके कंपाउंड में बताती आ रही हूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड में हम एंटू पाई स्टार ट्रांजिशन को प्रिफर करते हैं गे? अब देखो टू पाई स्टार ट्रांजिशन की तो इसका मतलब की है कि आपके में होती है उसके साथ साथ मैंने आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट का

इसको आप कैसे लिखोगे देखो इसको आप क्या लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर

ये मेरा क्या है दो फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर कीटो है अब मैं क्या लिखूंगी इसे टी लिख दूंगी या फिर मैं लिख दूंगी थ्री थ्री मतलब मैं इसे ट्रिप्लेट स्टेट की बात कर रही हूं। तो ये जो मेरी स्टेट बनी है तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरी कौन से स्टेट में ट्रिपलेट स्टेट में तो मैंने इससे क्या कर दिया टी यानी कि मेरी ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में यानी कि अब इसके बाद मैं रिएक्शन कराऊंगी तो पहली रिएक्शन क्या होगी पहला हो रहा है यहां पर आइसुमराइजेशन यानी कि आपका जो

इसके आगे बनाए। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस पोजिशन में शिफ्ट कर दू तो होगा क्या देखिए जब मैं डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दूंगी तो ये जो कार्बन है वो तो दोनों ही डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है यानी कि ये कार्बन पहले जो डबल बॉन्ड था वहां भी इन्वॉल्व था बाद में जो डबल बॉन्ड बना वहां भी इन्वॉल्व था तो इसका मतलब इस कार्बन की वैलेंसी में तो कोई चेंज नहीं आया बट ये जो कार्बन एटम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज पहले इसके पास डबल बॉन्ड था लेकिन अगर आपने डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया डबल बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन है तो इसके ये दो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले गए इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अब इलेक्ट्रॉन की को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज मतलब यहां पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की कमी है तो हमने क्या किया इस कार्बन को दे दिया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ये डबल बॉन्ड कहां चला गया यहाँ चला गया ये रीअरेंजमेंट किया हमने बॉन्ड की शिफ्टिंग की यहां पे चला गया ठीक है अब देखो ये बॉन्ड यहाँ चला गया और ऑलरेडी ऑक्सीजन

एक पॉजिटिव चार्ज भी एक नेगेटिव चार्ज भी ओके अब ये क्या बन गया एक इंटरमीडिएट बन गया रिएक्टिव मॉलिक्यूल से हमने क्या बना दिया इंटरमीडिएट ओके अब देखो क्या है अब इस इंटरमीडिएट में क्या है हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट कराना है कैसे करेंगे क्योंकि ये रीअरेंजमेंट re रिएक्शन है बस आपने इसे रीअरेंजमेंट कराना है बस ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे पूरी रिंग में घुमाते रहना है कैसे घुमा सकते हैं देखिए आप इसके बाद एक और काम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना इसको आप उठाएंगे कैसे उठाएंगे ये डबल बॉन्ड में है? ये वाली पोजिशन को आप उठाएंगे और कहाँ टेक देंगे यहां पर को पहुंचा देंगे ठीक है तो होगा क्या यहाँ तो बॉन्ड ऑलरेडी है यहाँ पे आपने दूसरे बॉन्ड को भेज दिया यानी कि इस बॉन्ड में देखो मैं आपको बताती हूँ इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास तो आपने इसके इलेक्ट्रॉन को उठाया और कहा भीजी है इस कार्बन के पास क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो आपने बोला कि चलो मैं अपना इलेक्ट्रॉन देता हूं और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा यानी कि यहां से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा लेकिन ये बेचारे कार्बन के ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने क्या अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो देखो आपको कुछ ये स्पेसीज यहाँ पे मिली मिली ना सेम स्पीसीज आपको मिली ठीक है अब हम क्या करेंगे अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या बिगाड़ा था क्योंकि हमने रिअरेंजमेंट करना है तो हम इनको घुमाते फिरेंगे ठीक है तो अब

पॉजिटिव चार्ज से चला जाएगा लेकिन इस कार्बन पे क्या जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि आपने यहां पे क्या करना है सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है तो चीजों को बस आप रीअरेंज करते रहिए अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है तो यहां पे क्या होना है रीअरेंजमेंट ही होना आप इसके साथ मैंने देखो यहां तक फिनिश कर दी चीजों को यहां तक फिनिश कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गए यहाँ पे फिनिश कर दिया लेकिन यहाँ पे ये यह फिनिश नहीं होता ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये ईटीसी कर सकते हैं आप आगे क्योंकि ये रीअरेंजमेंट चलता ही रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज

इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए इस पोजिशन में जिसके वजह से क्या होगा अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव देखिए ना आपने क्या किया इस बॉन्ड को यहां से तोड़ा ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ से क्लीप किया अब अगर ये यह बॉन्ड यहां से चला जाएगा तो इसके ऊपर बनना है पॉजिटिव चार्ज लेकिन आपने उस बॉन्ड को उठा के कहा पहुंचा दिया इस पोजिशन में पहुंचा दिया तो यहाँ पे आपको एक नया बॉन्ड देखने को मिला तो देखो ये जो बॉन्ड आपका थ्री मेंबर का जो रिंग यहाँ बना हुआ था अब कहाँ बन गया यहाँ पे बन गया और दो फिनाइल ग्रुप आपके कहा लग गए यहाँ पे लग गए इतनी चीज क्लियर आई और पॉजिटिव चार्ज आपके इस एंड पे आ गया इतना आया अब देखो अब आसान है आप पहुंच जाते हैं अब अपने कीटोन पे अब आप क्या करेंगे देखिए अब आपने लास्टली कुछ नहीं करना इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना आप कैसे करेंगे आप क्या करेंगे इस डबल बॉन्ड को नीचे भेज देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहां आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड लगने की वजह से ये सेटिस्फाई हो जाएगा और डबल बॉन्ड नीचे क्यों आएगा क्योंकि आप ऊपर से ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को नीचे शिफ्ट करेंगे अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होगा तो यहां पे बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा देखिए आपने ये किया तो ये कार्बन अनस्टेबल हो गया समझ में आया ना देखिए एक बार वापस से बोल रही हूं आपने क्या किया इस नेगेटिव चार्ज को फर्स्टली नीचे किया नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड बन गया ये कार्बन अगेन अनस्टेबल हो गया इसकी वैलेंसी बढ़ गई पांच वैलेंसी हुई अभी अपनी वैलेंसी को सेटिसफाई करने के लिए क्या इससे ऊपर

सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये फाइव मेंबर रिंग है इसके साथ आपकी क्या है थ्री मेंबर में दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ऊपर आपकी क्या है ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो ये स्पेसीज हमने क्या है बाई इजेशन ऑप्टन कर दी देखो इसी को मैंने सिंपली ऐसे लिखा है फाइव मेंबर रिंग इसमें keto, यहाँ पे bond, यहाँ पे डबल बॉन्ड और आपका क्या है दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं थ्री मेंबर रिंग पर तो ये हमने फाइनली क्या है ऑप्टेन कर दी तो देखो बहुत इजी इजी से स्टेप थे ठीक है रिपीट कर रही हूँ फर्स्टली हमने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया इससे ऊपर शिफ्ट किया इतना हुआ पॉजिटिव चार्ज था तो बस आप पॉजिटिव चार्ज को रियेंज करते रहो रहोटर एंड यहाँ पे आपका फॉर्म होता है एज इंटरमीडिएट आप जैसे इसे अरेंज करते रहते हैं जब तक मर्जी आप तब तक कर सकते हैं एंड लास्टली ईटीसी लिख सकते हैं क्योंकि रिअरेंजमेंट चलता ही रहेगा ये स्टॉप

को मैंने क्या किया ये जो आपका स्ट्रक्चर मिला था यानी कि ये जो हमको क्या मिला था कीटो मिला था फाइव मेंबर मैंने इसे वापस से ले लिया तो देखिए ये फाइव मेंबर्ड ठीक है थीके? मैंने इसे जस्ट अरेंज किया हुआ है आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बनाया था वो ही है फाइव मेंबर्ड है डबल बॉन्ड लगा है की है और दो आपके फिनॉल ग्रुप है ठीक है अब देखो इससे हम अपना फिनॉल कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे रीअरेंज करेंगे अगे ठीक है कैसे रिअरेंज करोगे कुछ नहीं करना आप क्या करेंगे देखिए ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है इसे वापस से शिफ्ट करेंगे ऊपर तो देखो अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आता है तो ये डबल बॉन्ड तो कॉमन है पहले भी था अभी भी था मतलब ये वाला जो कार्बन है ये तो कॉमन है पहले भी था अभी भी था ओके okay, तो देखिए अब हम आगे को कैसे काम करेंगे तो कुछ नहीं है बहुत इजी है देखो दो स्टेप में अब आपका फाइनली फिनॉल ऑप्टेन हो जाएगा तो कैसे ऑप्टेन होगा तो देखिए कुछ नहीं करना फर्स्टली देखो मैंने वो ही आपका कीटो वाला कंपाउंड एज इट इज लिया है अब आप देखेंगे ये दोनों सेम ही है ठीक है मैंने इसे जस्ट अरेंज किया हुआ है ताकि हमारे रिएक्शन प्रॉपर चले इसी को मैंने ऐसे लिया हुआ है ठीक है देखो फाइव मेंबर रिंग है कीटो है तो यहाँ पर इन है और यहाँ पे आपके फिनॉल है ठीक है अब देखो हुआ क्या आपने कुछ नहीं करना फर्स्टली आप इसे अगेन क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे बट दो स्टेप में रीअरेंज करना है कैसे करेंगे फर्स्टली क्या करेंगे दोबारा आयंस तो लाने होंगे ना ये तो फाइनल बन गया ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया अब इससे अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर ये एज अ रिएक्टन की तरह एक्ट करेगा तो रिएक्टन डायरेक्टली तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता पहले ये किसम कन्वर्ट होता है आयंस में तो इसमें आपने आयंस जनरेट करना है कैसे करेंगे देखिए आप क्या करेंगे इस डबल बॉन्ड को ये जो डबल बॉन्ड है इसे अगेन कहा शिफ्ट करेंगे यहां पे तो देखिए अगर ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट

इस पोजिशन में आपका क्या आ गया एक इलेक्ट्रॉन ये वाली पोजिशन में तो हुआ क्या इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिय हो गई इसका इलेक्ट्रॉन तो उठ के यहाँ चला गया इसका मतलब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की हुई है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया पॉजिटिव चार्ज अब देखो इस कार्बन को भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्यों क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे फोर और ये एक एक्स्ट्रा फाइव इलेक्ट्रॉन आ गया इट मीन क्या होगा ये कार्बन भी अपने आप आपको वैलेंस से, को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा ये वाले बॉन्ड को ऊपर भेजेगा यानी कि इसमें जो पाए इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेगा और क्या करेगा एज अ नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ऊपर छोड़ देगा यानी कि एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ऊपर भेज दिया तो आपको क्या देखने को मिला अब यहाँ पे नया बॉन्ड देखने को मिला और एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिले तो देखो वही चीज तो लिखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया नेगेटिव चार्ज आया इतना समझ के अब देखो अब फाइनली इससे एक स्पेसीज बनाएंगे जो स्पीसीज के थ्रू हमारे दोनों ही फिनॉल आपको ऑप्टेन होंगे कैसे ऑप्टेन होंगे अब आप क्या करेंगे देखिए ये वाला जो बॉन्ड था ये जो आपका क्या बीच से काट रहा था आपकी सिक्स मेंबर रिंग को इस बॉन्ड को अब आपने इन्वॉल्व कराना है कहां पे अब आप इसे शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन में ठीक है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसकी डेफिशिएंसी हटानी है तो आप क्या करेंगे इस ये बीच में जो आपका कट लगा रहा था इसका जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इससे आप इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहा भेजेंगे यहाँ पे अगर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा इस पोजिशन में चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जाएंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रल और ये वाला जो बॉन्ड है वो उठ के कहाँ चला जाएगा यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बेचारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये जो हमारी स्पीसीज बनी है अब इस स्पीसीज से ही हमारे दोनों फिनॉल ऑप्टेन होंगे कैसे होंगे तो देखो पहले मैं आपको पात ए में ले जा रही हूँ हमें पहला टाइप का फिनॉल मिलने वाला है क्योंकि दो फिनॉल मिल रहे हैं तो पहला फिनॉल है टू थ्री डाई फिनल फिनॉल तो ये फिनॉल कैसे मिलेगा देखिए कुछ नहीं करना अब आपने अब आप क्या करेंगे ये जो दो आपके फिनाइल है क्योंकि आपको सेकंड और थर्ड पोजिशन में फिनाइल चाहिए अभी आप देख रहे हैं दोनों ही फिनाइल थर्ड में 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 है तो तो आप आप इसे क्या करेंगे में ले जाएंगे तो हमने पॉजिटिव चार्ज इस फिनाइल को कहा ले जाएंगे थर्ड और सेकेंड पोजिशन में ले जाएंगे तो होगा क्या जैसे आप इस फिनाइल को उठा के यहाँ लगाएंगे तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा लेकिन इस पोजिशन में क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज बिकॉज आपके फिनाइल ने यहाँ पे क्या बनाया था बॉन्ड देखो यहाँ पे क्या थे दो इलेक्ट्रॉन थे ठीक है आपका फिनाइल क्या है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चाह कहा चला गया यहाँ चला गया फिनाइल यहाँ आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया और इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से था तो आपका क्या यहाँ फिनाइल और हाइड्रोजन आ गया लेकिन यहां से फिनाइल जाने की वजह से इस बेचारे के ऊपर तो क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया फिनाइल ले गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज अब आप क्या करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज आएगा नीचे यानी कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड इसके एडजेसन में जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होगा नीचे तो यहां आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड था ये आएगा इस साइड तो यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड तो देखो आपका पॉजिटिव पूरी तरह से स्पीसीफाई होगी और आपको ये प्रोडक्ट मिला तो देखो ये भी आपका अभी भी क्या है phenol तो नहीं है 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 अब आपने phenol में convert है, तो phenol में कन्वर्ट करना तो देखिए एक मिस्टेक हुई इसे बनाइएगा मैंने छोड़ दिया ये फिनॉल बनेगा ठीक है तो कैसे बनेगा देखो अब आप कुछ नहीं करना है अब आप क्या करेंगे ये जो आपका कीटो है ये इस डबल बॉन्ड को ऊपर लेगा एज अ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड और अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो आपका जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने दो लाइन को किसमें कन्वर्ट करेगा bond में यानी कि यहां पे डबल आएगा और आपका जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा ऑक्सीजन के पास जाएगा तो होगा क्या मतलब कुछ स्टेप की आप बोल सकते यहां हो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक्लीविज होगी और हाइड्रोलाइटिक्लीविज के बाद क्या होगा यहाँ पे इसमें आपका कार्बन के पास क्या जाएगा चार्ज बिकॉज कार्बन इज मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज को आप किसमें इन्वॉल्व करोगे बॉन्डिंग में तो यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड बिकॉज नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसलिए एच पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोक्सी बनेगा तो ये आपका क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट ये है हमारा टू थ्री डाइफिन तो ये जिस बन गया इतना ही तो काम करना है अब हमने क्या कर दिया टू थ्री तो बना दिया अब हमने क्या बनाना है इसके बाद थ्री फोर डायफिनाइल फिनॉल चाहिए तो अब आपको क्या करना होगा जैसे हमने ऊपर वाले इस पे क्या अब आपको क्लियर हो रहा होगा फिनाइल ग्रुप हमें जिस पोजीशन में चाहिए उस पोजीशन में पहले हमें पॉजिटिव चार्ज आना होगा जैसे इस पोजीशन में हमें फिनाइल चाहिए था पहले कौन सी पोजीशन में था थ्री में था आपको टू में चाहिए था तो आपने टू में पॉजिटिव चार्ज लाए जैसे तैसे तो अब यहां भी आपने वही काम करना है आपके पास 3 पोजीशन में तो ऑलरेडी फिनाइल है आपको कौन सी पोजीशन में चाहिए फोर्थ पोजीशन में चाहिए तो यानी कि यहाँ पे आपको फिनाइल चाहिए तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो कैसे ला सकते हैं तो फर्स्टली हमने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था मैंने बोला कि ये डबल बॉन्ड को मैं इस पोजीशन में दे देती हूँ ताकि मेरा ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो अगर देखो इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा देखो इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो होगा क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था एक इलेक्ट्रॉन यहां था अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहा जा रहा है इस पोजिशन में तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ रहा है बाकी तो ये वाला तो एज इट इज है तो ये डबल बॉन्ड किसमें शिफ्ट हो गया इसमें ये वाला पॉजिटिव चार्ज गया और ये वाली पोजीशन में क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन उठ के कहा गया है इस पोजीशन में गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हुआ अब आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए इस पोजीशन में तो अब आप क्या करेंगे ये वाले बॉन्ड में यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इस पे बात करेंगे तो देखिए इसमें भी तो दो इलेक्ट्रॉन है आपने क्या किया इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए और इस पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज चाहिए इस पोजिशन के इलेक्ट्रॉन को भेजा ऊपर तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर इस पोजिशन में जाएगा तो ये तो सेटिस्फाई हो गया देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखो हमने वही ट्रांजिट मतलब यही रीअरेंजमेंट किया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आए अब देखो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब आप क्या करेंगे बस अपने फिनाइल ग्रुप को यहां दे देंगे यानी कि ये फिनाइल ग्रुप यहाँ से उठेगा और इस पोजिशन में फिनाइल ग्रुप आ जाएगा और फिनाइल ग्रुप अगर यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा बट ये वाली पोजिशन में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन उसके के गया है यहाँ गया है तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया और ये वाली पोजिशन में यानी कि कार्बन नंबर थर्ड वाली पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज ले आए अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे कुछ नहीं होगा ये वाला डबल बॉन्ड नीचे मतलब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल में अगेन डबल बॉन्ड आया ये वाला बॉन्ड इस पोजिशन में शिफ्ट हुआ देखो ये वाला बॉन्ड इस पोजिशन में शिफ्ट हुआ और आपका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या आपका फिनॉल ऑपरे नहीं हुआ है तो देखो यहाँ भी सेम मिस्टेक हुई है तो आपने क्या करना है इसे एच कर देना ठीक है फिनॉल है ठीक है तो अब क्या हुआ अब आपने क्या करना है यहाँ पे इस वाले नेगेटिव इस जो डबल बॉन्ड है इसे आप ऊपर भेजेंगे एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है इसमें आप क्लीव करेंगे और क्लीविस के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव आपका बाहर निकलेगा तो होगा क्या देखो मैं इरेज करके दिखा रही हूँ ये बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये डबल बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हुआ एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज कहां इन्वॉल्व हुआ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ यानी कि यहाँ पे बना डबल बॉन्ड और ये जो आपका एच पॉजिटिव ऊपर चला गया यानी कि अब आपको पूरे सिस्टम में क्या है कंजुगेशन देखने को मिल रहा है और आपकी थर्ड और फोर्थ ये थर्ड ये फोर्थ पोजिशन में आपको दो फिनाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है ऊपर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है तो बन गया हमारा थ्री फोर्थल डाइफिनाइल डाइफिनाइल फिनोल ओके तो देखो ये चीज हमारी यहाँ पर फिनिश हुई तो बस हमने दो फिनॉल बनाने थे बना लिए तो देखो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा तो मैंने बीच में छोटी छोटी सी मिस्टेक की तो उसके लिए सॉरी बिकॉज मैंने सुबह से तीन लेक्चर बना लिया इस फोटो केमिस्ट्री के तो मैं भी बहुत थक गई हूं लेट भी बहुत हो गया तो हमने क्या करना देखो होप आपको इतना क्लियर आया होगा ठीक है तो आपने कुछ नहीं करना जिस पोजीशन में आपको फिनॉल चाहिए उस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज लगाना आप कैसे भी रीअरेंजमेंट करो बस पॉजिटिव चार्ज उस पोजीशन में ले आओ और अगर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप अपने एक को उस में डाल दो और लास्ट में क्या है अपने आ, अपने ऑक्सीजन के ऊपर जो मतलब कार्बोनाइल वाला जो डबल बॉन्ड है उसे ऊपर शिफ्ट कर दो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में और हाइड्रोजन को बाहर डाल दो और आपको फाइनली आपका फिनॉल ऑपरेन हो जाएगा बाकी चीजें आपको क्या हो जाएंगी खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी तो आपको दो टाइप के

willing we'll in your next lecture with Dr. Kelly. Bye bye.